press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. बेगूसराय में नवंबर माह में सर्वश्रेष्ठ काम करने वाले पुलिस कर्मी के रूप में होमगार्ड के जवान और ट्रैफिक पुलिस रामानंद सिंह को एसपी ने सम्मानित किया है। इस दौरान भी एसपी ने उन्हें प्रशस्ति पत्र के साथ 5,000 नगद पुरस्कार दिए। पुलिस मुख्यालय के दिशा निर्देश के बाद आपसी प्रतिस्पर्धा और बेहतर काम करने के मापदंड को तय करने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस कर्मी को सम्मानित करने की योजना बनाई है। इसी योजना के तहत ट्रैफिक व्यवस्था में बेहतर काम करने के लिए होमगार्ड रामानंद सिंह को सम्मानित किया गया है। इस दौरान एसपी ने अपने चेंबर में रामानंद सिंह को एक प्रशस्ति पत्र के साथ 5,000 नगद पुरस्कार भी दिया है। एसपी अवकाश कुमार के अनुसार ऐसे पुलिसकर्मी का फोटोग्राफ पुलिस लाइन के अलावा दूसरी जगह भी लगाया जाएगा। बेगूसराय से राजीव झा की रिपोर्ट। प्रत्येक जिले में जो अच्छा काम कर रहे हैं उनमें से हम लोग को कुछ मापदंड के आधार पर सर्वश्रेष्ठ पुलिस कर्मी या पुलिस पदाधिकारी का चयन करना है और नवंबर माह 2019 के लिए इसके लिए जो निरीक्षक हैं रामानंद सिंह कर्पूरी स्थान चौक पर ये ड्यूटी करते हैं, ट्रैफिक ड्यूटी करते हैं, इनको इस सम्मान के लिए चयन किया गया है। इनके विषय में आम जनता के तरफ से भी और हमारे पुलिस महकमे से भी काफ़ी अच्छी बातें सुनने को मिली हैं। लोगों में इनका अच्छा एक इमेज है और लोगों की तरफ से बहुत प्रशंसनीय बातें इनके लिए कही गई हैं। ये बहुत कर्मठता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं और ट्रैफिक के जवान जनरली हम लोग बहुत देखते हैं कि मेन फील्ड में नहीं दिखते हैं लेकिन लगातार अथक प्रयास से वो लोग अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते हैं जिससे ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहती है। तो ऐसे प्रयासों को ही अप्रिशिएट करने के तरफ ये कदम बढ़ाया गया है और हर माह एक हम लोग चयन करेंगे सर्वश्रेष्ठ पुलिस कर्मी का जिसकी तस्वीर हम लोग पुलिस ऑफिस में, पुलिस लाइन्स में और भी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हमारे हैं वहाँ पर डिस्प्ले भी करेंगे और ये एक स्पर्धा बढ़ाने के लिए एक हेल्दी कंपटीशन हो हमारे ऑफिसर्स के बीच, हमारे जवान के बीच, ताकि हमारे कार्य में और भी सुधार आए जो इस पहल से अपेक्षित है। पुलिस मुख्यालय द्वारा यह कदम उठाया गया था जिसके तहत बेगूसराय जिले में इनको एक प्रशस्ति पत्र है और 5,000 रुपये की नगद राशि। बेगूसराय के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के एक बहियार में विवाहिता के साथ दो बदमाशों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जाता है कि पीड़ित महिला बाजार से अपने घर जाने के दौरान बदमाशों ने उस महिला को जबरन उठाकर ले जाकर महिला के साथ दो बदमाशों मिलकर रेप की घटना को अंजाम दिया। मामला बुधवार की शाम का बताया जा रहा है। पीड़ित महिला ने बताया कि घर जाने के दौरान उसके ही गांव के दो लोग सहित तीन बदमाशों ने उसे पकड़ लिया। एक बदमाश ने मुंह में गमछा बांध दिया। दो लोगों ने दुष्कर्म किया। पीड़ित महिला किसी तरह एसपी कार्यालय पहुंच गुहार लगाई। एसपी कार्यालय पहुंची पीड़िता अचानक बेहोश हो गई। बाद में जब उसे होश आया तो मीडिया कर्मियों को पूरी घटना की जानकारी दी। बताया कि गुरुवार को बेहोशी अवस्था में कल्याणपुर के पास थी। जब होश आया तो किसी राहगीर ने अपनी बाइक से बेगूसराय पहुंचा दिया। पीड़िता की माने तो बदमाशों ने उसके साथ मारपीट भी की। फिलहाल पीड़ित महिला एसपी से मिले, एसपी कार्यालय आई हुई है, वहीं मामले की तहकीकात में पुलिस जुट गई है। बेगूसराय से राजीव झा की रिपोर्ट। आ रहे थे तो रास्ते में हम घर जा रहे थे, खनवा नाला के पास गए, तो दोनों आदमी हमको पास आया, हमको सामान गोली के साथ हमको कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद हमको मुंह में गमछा बांध दिया, मुंह यादव बांध कर हट गया। तेकर बाद सुलो यादव कामदेव आ गए, जेल जेवर जल था तनी मनी खोल लिया। तेकर बाद हमको साथ गलत कार्य किया, बाहर रात हमको खनवे नाला में रखा बैयारे में, बोला कि थाना पुलिस जाएगी ना तुम्हारा जान से मार को हत्या कर को निपाता कर दे। एसपी की दरबार वो शिकायत कर रही है जिस व्यक्ति का नाम लेके बोल रही है कि उसके ऐसा सा घटना किया, अभी थाना पर गई भी नहीं है, अभी जानकारी मिली है, जांच करने के बाद ही आपको बताया जा सकता है कि क्या मामला है। वो बता रही है लेकिन उसके जांच करने के बाद ही हम लोग बता सकते हैं। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।